यहाँ पर निकल चुका है सवारी दार्जिलिंग के लिए सुबह ही सुबह। यस कुल्ली टकमा निकाल है मैले नलागोस्। ये देखिए हमारा कुल्ली, ओ शानदार नजारा। और चलदो रहेछ त यहाँ आरामले हो ब्रो। एक चीज फायदा है यहाँ पे कि वाईफाई भी है, फ्री वाईफाई। और देखिए इसको पेट्रोली लेकर दार्जिलिंग का रास्ता रास्ता ठंडा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप सबका आज किस नई व्लॉग पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पर सुबह के 8 और अभी हम लोग निकल चुके हैं काका के घर से दार्जिलिंग के लिए। कल रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया था, मतलब ऐसे बात करते करते, तो सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी वेडी हुए हम लोग और चाय वाय पी के जस्ट अभी निकले काका के घर से। वो ड्राइवर ने कहा है कि आगे एक रास्ता है, मतलब यहाँ कोलाबारी के यहाँ पे, तो वहाँ तक आने के लिए 8:30 को वो आ जाएगा वहाँ पे हम लोग को पिकअप करने के लिए। दोस्त लोग पीछे में आ रहे हैं, वो लोग बिग बुक के, तो आज जाएंगे हम दार्जिलिंग। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए आप लोग आज के इस ब्लॉग में। शानदार नजारा, कसम चेराबंदी जस्ते लागे छ। ठंडी ठंडी हवाए, यहाँ देखिए फोन गिरो बने। तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:30 और हम लोग थे पता नहीं कौन सा जगह पे, यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए गाड़ी रुका है मतलब खाना वाना खाने के लिए और बस खाने के लिए। तो हम लोग अभी यहाँ दुकान के अंदर में, हम लोग ने भी खाना का ऑर्डर दे दिया है और थोड़ी देर में यहाँ से मतलब खाना वाना खा के निकल जाएंगे। तो वो भैया बोल रहे थे मतलब ड्राइवर, और 40 मिनट लगेगा यहाँ से दार्जिलिंग पहुँचने के लिए। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे में व्यू, मतलब पूरा पहाड़ी है, उतना कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा, मतलब चेरापूंजी टाइप का फील आता है यहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही पहाड़ देखने को मिलता है हम लोगों को। और ये रास्ता यहाँ का, वहाँ पे ट्रेन का पटरी भी है साइड में, पर शायद अभी ट्रेन नहीं चलता है यहाँ से, पहले चलता था होगा। और यहाँ का रास्ता कैसा है मैं आप लोगों को बता दूँ, तो यहाँ का रास्ता मतलब बहुत ही छोटा है, छोटा सा, मतलब उतना बड़ा रास्ता नहीं है। दो गाड़ी को पास होने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऊपर से गाड़ी आ रहा था तो नीचे से भी सोमो था, तो यहाँ पर ये लोग दोनों को पास होने के लिए मतलब एक गाड़ी को रुक के साइड देना पड़ता है, तब जाके गाड़ी पास होता है। ऐसा छोटा रास्ता है यहाँ पर, ये दोनों ऑर्डर दे ब्रो। और मैं आप लोगों को यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए एकदम नज़ारा यहाँ का, थोड़ा बहुत लगभग मतलब चेरापूंजी जैसा ही है यहाँ से, तो ऐसा व्यू पहाड़ पहाड़, नीचे में देखिए पूरा हरियाली। तो यहाँ पर हम लोगों ने राइस का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस चाय और बिस्किट खा के निकले थे वहाँ से सुबह जल्दी जल्दी, तो मतलब थोड़ा भूख लग रहा है। तो अभी चिकन और राइस का ऑर्डर दिया हुआ है तो वो बन रहा है, तो वो खा के यहाँ से निकलेंगे और 40 मिनट्स में तो हम लोग होंगे दार्जिलिंग पे, फिर देखेंगे हम लोग दार्जिलिंग का व्यू। ये हमारा चिकन राइस, आराम रहे हो ब्रो। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और अभी हम लोग वापस मतलब जा रहे हैं अभी फिर से गाड़ी में। यहाँ पर छुट्टी लिया है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर खाई नहीं मिलता है, छुट्टी खा के जाएंगे। ये वो तो फाइनली 2.5 घंटा की लंबी सफर करने के बाद हम लोग दार्जिलिंग पर अपना कदम रख चुके हैं। थोड़ा सा नीचे आए अभी, मार्केट एरिया ऊपर है, वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ है, शायद सब टूरिस्ट लोग ही होंगे, यहाँ का लोकल तो इतना ज्यादा हो नहीं सकता मुझे ऐसा लगता है। तो अभी कहाँ जाना है क्या करना है हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, फिलहाल हम लोग ये होटल की तलाश में। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए इसको पेट्रोली लेकर दार्जिलिंग का रास्ता रास्ता, कुछ ऐसा व्यू है आगे में, बड़ा मार्केट। अभी कहाँ पर होटल मिलेगा पता नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने वो ड्राइवर भैया से पूछा था तो उन्होंने कहा था इस साइड ही कहीं पे मिल जाएगा, मतलब अवेलेबल है, वैसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग कोई होटल के तलाश में है, तो फाइनली हमें यहाँ पर होटल मिल चुका है। ये देखिए अभी अभी हम लोगों ने मतलब ले लिया है 2-3 दिन के लिए, तो भैया को डॉक्यूमेंट्स वो सब सबमिट कर दिया है, अभी भैया अंदर गए शायद जेरोक्स कराने के लिए। तो फाइनली हम लोग ने रूम ले लिया है,
यहाँ पे ये पीछे वाला रूम नंबर 201 नीचे पेमेंट वो सब करके आ गए हम लोग एक दिन का, और बाकी पेमेंट बाद में करेंगे। तो मैं आप लोगों को रूम टूर करा ही देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ से ये रूम नंबर 201, और ये देखिए कितना बड़ा रूम है। यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। ये एक बेड है जो बहुत बड़ा है, तीन जन के लिए काफ़ी है हम लोग के लिए। और वहाँ पे वॉशरूम, और यहाँ पे ये देखिए एक चीज़ फ़ायदा है यहाँ पे कि वाईफाई भी है, फ्री वाईफाई। ये देखिए बाहर साइड का व्यू, यहाँ ऊपर साइड में है मार्केट, बाद में जाएंगे तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को वो भी। तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 3 बजने वाले हैं अभी, और अभी हम लोग यहीं पे रूम पे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ दार्जिलिंग पे। हम लोग सोचे थे थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन इसलिए हम लोग सुबह आए तो थके भी हुए थे, तो हम लोगों ने दिन भर रेस्ट किया। तो अभी थोड़ी देर में जाने का प्लान चल रहा है हम लोग का, थोड़ा बाहर मार्केट वो सब देखने के लिए। और यहाँ आने का रास्ता का बारे में बात करें तो भाई साहब, मतलब इतना डेंजर रास्ता है। मतलब एक छोटा सा रास्ता है, उसी में दोनों साइड से गाड़ी जाती है, एक ही रास्ता है छोटा सा, और ऊपर से पूरा अप चढ़ना पड़ता है सिलीगुड़ी से, मतलब पूरा पहाड़ होके आना पड़ता है। छोटा सा रास्ता और ऊपर से टर्निंग, पूरा ब्लाइंड कर्व है, मतलब ब्लाइंड अंधाधुंध, कुछ आगे का दिखाई नहीं देता है, ऐसा कर्व है। तो बहुत ही डेंजर रास्ता था, एक साइड पर पूरा पहाड़ है, एक साइड पर नीचे पूरा गहराई, मतलब वहाँ से गाड़ी गिर गया तो खत्म, ऐसा टाइप का रास्ता है। बस अच्छा बात यही था कि मतलब रास्ता कच्चा नहीं था उतना, मतलब टूटा फूटा वैसा नहीं था, रास्ता ठीक ठाक ही था आने लायक का, इसलिए स्पीड में आया गाड़ी। मतलब जो भी ड्राइवर लोग हैं वो लोग बहुत ही प्रो ड्राइवर है इधर का, बहुत ही स्पीड में चलाते, जैसे वो चला रहे थे हम लोग जो आए सोमो, हम लोग जिसमें आए थे वो सोमो का जो ड्राइवर थे भैया, वो भी बहुत ही स्पीड में आ रहे थे, ब्लाइंड कर्व पे भी मतलब पूरा फुल स्पीड में थे वो, तो पूरा एक्सपीरियंस है उसके लिए, इतना खतरनाक रास्ता है। तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, 2.5 आवर लगा हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ के हम लोगों ने रूम वूम ढूँढा और रूम भी मिल गया, तो अभी तो रूम पे ही है हम लोग। अभी थोड़ा देर में जाएंगे मार्केट घूमने के लिए, और मैं आप लोगों को यहाँ मार्केट का व्यू भी दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा दिखा दूँ तो इस साइड पे ऐसा है जहाँ पर हम लोग रुके हैं, ये देखिए यहाँ ऊपर साइड में है मार्केट एरिया। अभी थोड़ी देर में जाएंगे घूमने के लिए। यो ब्रो कस्तो मजा छ रेलैमा भन्ने गाना सुनेको त दार्जिलिङमा मजा। तो हम लोग आए अभी यहाँ पर दार्जिलिंग मार्केट घूमने के लिए शाम का टाइम पे, और मैंने अभी यहाँ से ये टोपी और ये खरीदा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है ये लगा के, और इसलिए लिया एक जैकेट। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर मार्केट, मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार मॉल के यहाँ पर, और यहाँ पीछे साइड में देखिए पूरा स्ट्रीट फूड का मतलब स्टॉल है, और यहाँ अंदर में पूरा क्रिसमस के लिए बहुत ही शानदार डेकोरेशन किया हुआ है। ये देखिए अंदर में दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर साइड में भी पूरा लाइटनिंग पूरा क्रिसमस के लिए पूरा सजाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा घूमते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ पे फास्ट फूड स्टॉल वो सब है, और यहाँ पर देखिए डेकोरेशन। माथिबाट हिँड्न यहाँ आगे में देखिए पूरा ब्रांड है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को किस तरह से डेकोरेट किया गया है पूरा क्रिसमस के लिए, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखिए ओ राम्रोसँग मिलाऊ, मासु खाने हो मासु, चिकन लेग पिस, अरे यो चाहिँ के थियो अरे यसको नाम, तुम्बा।